और हकायक के साथ अब्दुर्रहमान साहब ने अपनी बात मदलल अंदाज में पेश की कि किस सलीके से मताए उम्र हम खोते रहे, किस सलीके से मताए उम्र हम खोते रहे, गर्द चेहरे पर जमी थी आईना धोते रहे। तो यकीनन ये राह देगा, हमारे दिलों तक इनकी बात पहुँचेगी, और यकीनन मौलाना साहब की बाबरकत शख्सियत इस मजलिस में शामिल है। तो इंशाल्लाह इस भिवंडी शहर से कोई ऐसा काम होगा जो मिल्लत के लिए रहनुमाई का दर्जा हासिल करेगा। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ उस शख्सियत को आवाज़ देता हूँ जिन्होंने OBC का परचम बुलंद करके मुस्लिम अकलियत को उनका हक दिलाने के लिए पूरी जवां मर्दी के साथ मुकाबला किया। 10-20 साल नहीं बल्कि कई वर्षों से, जो है कई दशक से, वो इस लड़ाई में शामिल रहे हैं। आली जनाब शब्बीर अंसारी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं। हम दीवाने नहीं, दुनिया की खबर रखते हैं, और मार ही डाले ये दुनिया वो दुनिया है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। आज के इस एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर्स जो बैनर हमको सामने नजर आ रहा है, उस प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान अली जनाब इज्जत माब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, स्टेज पे बैठी हुई तमाम काबिले एहतराम शख्सियतें और तमाम जिम्मेदारान, इशू बहुत अच्छा है, किताब बहुत अच्छी है। किताब में जो जो बातें हैं उस नौजवान बच्चे ने बहुत अच्छे अंदाज में आपको बतला दिया है, मैं उसके बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मगर मैं भी सरसरी तौर से उस किताब को देखा हूँ। अब्दुर्रहमान साहब को मुबारकबाद भी दूंगा कि उन्होंने अपने उस किताब के में उस चैप्टर में पसमानदा का भी जिक्र किया है। बातें बहुत हो रही है, हर जगह हो रही है, मगर पसमानदगी के बारे में कहीं भी बात नहीं हुई। इसका पहला भी प्रोग्राम हुआ और भी प्रोग्राम हुए मगर नहीं हुआ, मगर किताब में एक बड़ा चैप्टर पसमानदगी है। उन्होंने ये भी दिया है कि कितने MPs चुन के आए हैं, उसमें कितने अपर कास्ट थे और कितने पसमानदा थे, कितने MLA आए। मैं उसकी बहुत डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। उन्होंने सब लिखा है, वो पढ़ना भी चाहिए, देखना भी चाहिए कि हकीकत में कि भाई कितने MP बने, उसमें पसमानदा कितने थे और अपर कास्ट कितने थे। बिहार का भी उन्होंने दिया, हर जगह का दिया है, पढ़ने जैसा है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने उसी में काका कालेलकर कमीशन की भी बात की, मंडल कमीशन की भी बात की, दोनों भी बातें की है उसमें। उन्होंने रखा रंगनाथन मिश्रा कमीशन को भी उन्होंने थोड़ा सा उसमें जगह दी, बताने की कोशिश की है। आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं 42 साल से मुसलमानों की पसमानदगी के लिए लड़ाई लड़ता हूं, जो दस्तूर का दिया हुआ हक था हमारा। 80 से मैं अपना घर बार छोड़ के महाराष्ट्र ने पूरे हिंदुस्तान में कर्पूरी ठाकुर, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, रामविलास पासवान, कांशीराम, इनके साथ एक लड़ाई लड़ते रहा मंडल की। कई बार जेल भी गया और उसके कोई ना कोई रिजल्ट्स आए हैं, आप भी देखते हैं और उसके फायदे मिले हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वो महाराष्ट्र में मिले हैं, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ एजुकेशन में, तालीम में और नौकरियों में भिवंडी सरफहरिस्त नज़र आता है मुझे। हजारों बच्चे डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, MD बने हैं, कॉरपोरेटर बने हैं, बहुत जगह, हर जगह। मैं खाली आपको यहाँ की मिसाल दे रहा हूँ, महाराष्ट्र में सांगली जैसा एक मुकाम है जहाँ से पूरे महाराष्ट्र का राजकारण चलता है, वहाँ 4 मेयर बनाए हमने इसी बेसिस के ऊपर, 4। कोल्हापुर जहाँ 72 की कॉरपोरेशन होती है, वहाँ एक कॉरपोरेटर चुनकर आता है। हम अमरनुपोषण कूते, वहाँ मुसलमान का एक मेयर बनाया है।
एक इतिहास, एक तारीख है बहुत बड़ी पसमानदाओं की लड़ाई की, और जिसको 94 के अंदर उस वक्त के सीएम मुख्यमंत्री शरद पवार जी ने बनाया था। और हमारा कहना यही था कि ये हम मुसलमानों में जात नहीं है, इस्लाम में कोई जात नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही बात थी, और हमारे मुस्लिम लीडर भी यही, क्योंकि सारे लीडर मेरे खिलाफ थे, जितने भी मिनिस्टर थे सारे मेरी मुखालफत में थे। और शरद पवार का भी यही कहना था कि सारे मुसलमान तेरे खिलाफ बोलते हैं यार, ये सलीम जकरिया जावेद साहब बोले, अंतुल्ले साहब बोले, सब बोले, और तुम कहाँ से बात करते हो ओबीसी की। वही उनको बदला है कि इस्लाम में जात नहीं, इनको पता नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 में जो बात की है, वहां धर्म और मजहब की कहीं बात नहीं है, ये बहुत झूठ छोड़ देते हैं। हाँ, ये हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, कहाँ है ऐसा लिखा हुआ, किसको मालूम है ऐसा लिखा हुआ है करके। आर्टिकल 340 है क्या, नहीं जानते। उसी को तो लेके हमने लड़ाई लड़े और अल्लाह के फजल करम से कामयाब हुए। और वो जीआर में हमने हिंदुओं में भी, हिंदुओं को भी हमने यही कहा, अरे तुम में जात नहीं है, वर्ग है, क्लास है, पेशा है, क्यों अपने आप को बोलते हो। हिंदू लोगों ने भी मेरे साथ बहुत काम किया है, मुंडे साहब थे, छगन भुजबल थे, सारे लोग थे, मुंडे साहब मेरे ऑफिस में भी हमेशा हूँ। अरे अरे तुम वर्ग है यार, जात नहीं, काई को जातों में बांट रहे हो अपने आप को। और वही शरद पवार से 7 दिसंबर 1994 को हमने जो जीआर निकाला कि बिला इम्तियाज मजहब मिल्लत, मराठी में जो जीआर था कि या पुढ़े कोणत्याही धर्माचा बंधन न लावता मुस्लिम सहित जे या परवर्गातील, जात को उड़ा दिया, जो इस पेशे से मुंसलिक है जुमला इसको फायदा मिलना चाहिए। और 94 तक देखिए मुसलमानों की क्या हालत थी महाराष्ट्र में, और 94 से 90 आज की हालत में क्या क्या हालात बदले, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। पॉलिटिक्स की बात की अब्दुलरहमान साहब ने कि भाई नई पार्टी होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं आपको बताते चलूं, ये सब गवाह है, सब भिवंडी के लोग। जब ये मूवमेंट पूरे अपने उरूज पर थी, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस, पसमानदाओं की मजबूर होना पड़ा इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जिसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, उस कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा हमसे अलायंस करने के लिए। जो आप कहते हैं हमने कर दिखाया है, नहीं दिखाया, नहीं कर दिखाया है। और उस वक्त उन्होंने हमको बुला करके बहुत मुखालफत हुई, हमको 17 टिकट मांगे, हमको 5 टिकट दिए। और वो इतिहास में, वो तारीख में, इंटरनेट पे शब्बीर अंसारी के नाम से टिकट थे, किसी नाम के पास नहीं थे, पार्टी नहीं थी, शब्बीर अंसारी के नाम से थे, जिसका एक गवाह यहाँ आपके भिवंडी में आमदार बना, जिसका नाम रशीद ताहिर मोमिन है, जो 39 सीट थे पूरे कोकण डिवीजन में, कांग्रेस एक भी सीट नहीं चुन के लाई, यहाँ अपोजिशन होने के बावजूद वो यहाँ आप लोगों ने चुन करके दिया, एक इतिहास, एक रिकॉर्ड बनाया। यह इतिहास है, ये ताकत है हमारी, ये ताकत हमको मालूम नहीं है। अब्दुलरहमान साहब जैसा बोल रहे हैं, इस मोमेंट ने ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया। उस वक्त एक मीरज वेस्टर्न महाराष्ट्र में मुसलमान डरता था खड़े रहने के लिए, एक मामूली सा साइकिल पे फिरने वाला आदमी, एक पैसे का खर्चा ना करते हुए हमने उसको आमदार बनाया, आप जानते हैं, जिसका नाम था हफीज धतूरे, साइकिल पे फिरने वाला आदमी, डबल रोटी बेचने वाला आदमी, घर में एक पैसा नहीं है, और लोग मराठा और लोगों से डरते थे, नहीं मुसलमानों, अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं होने, हाँ क्यों नहीं, खड़े रहो, खड़े रहना चाहिए। हमने चुना के लाया, हाय आमदार बने, 10 साल आमदार बने, मौलाना आजाद फाउंडेशन के चेयरमैन बने, वही ताकत है हम में, जैसा अब्दुलरहमान साहब बोल रहे होना चाहिए, करे तो सब कुछ है। मौलाना तो बहुत जस्तजु करते, बहुत काम करते हैं दलितों, और मुझे भी जो साथ दिया है वो दलितों ने और हिंदू ओबीसी ने। मैं आपको खुल के बोलता हूं, आपको जो रिजर्वेशन मिला है, आप लोग नहीं मेरे साथ थे, आप नहीं थे मेरे साथ लड़ाई में, आप लोग तो मुझे पत्थर मारते थे, आप तो लोग मुझे आने नहीं देते थे, आप तो मुझे गली में भी खत्म नहीं रखने देते थे, साथ देने वाले थे मेरे दलित और हिंदू ओबीसी, जो बोलते थे शब्बीर भाई आगे चलो, प्रेरणा देने वाला मेरे को जो था वो मेरा गुरु था, एडवोकेट जनार्दन पाटिल। इतिहास है, आपको मालूम है, और उसी वजह से आज जो सारी जो चीजें मिल रही है, एक आईएएस ऑफिसर
अगरचे उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं होता था, जिसका बाप वड़ाप चलाता है, जिसका बाप 10 रुपए बिठा के चलाता है, उसको पहनने के कपड़े नहीं, अंसार जिसका नाम है, उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, वो आईएएस ऑफिसर नहीं बनता था, सबसे छोटी उम्र 22 साल की उम्र में वो आईएएस ऑफिसर के कलेक्टर बना। ये है ताकत हमारे में, है, हो रहा है, लड़ रहे हैं, ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें करना चाहिए और होना चाहिए, जो 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 पॉलिटिकली बात उन्होंने की है। मगर हम अगरचे एक जगह आ जाए और हम अपने हिंदू भाइयों और दलित भाइयों को, मौलाना का बहुत बड़ा काम है, आज वेस्टर्न महाराष्ट्र में मौलो किसी के भी आदमी जाओ, इतनी मौलाना का नाम सुन लिए तो हजारों की तादादों में लोग पहुंचते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र में आप जाते हैं नहीं पता नहीं, मौलाना जाते हैं, मौलाना का नाम लग गया, मौलाना आ रहे हैं बोले, तो ये है हम में आज भी ताकत, मगर हम उसको समझ नहीं पा रहे। दूसरी बात कि किताब में अब्दुर्रहमान साहब ने बहुत सारी बात की है, आंकड़े बात बताई है, नहीं मिलते हैं, उन्हें मिलते हैं, मगर एक बात उनको लिखना चाहिए थी, नुमाइंदगी, नुमाइंदगी मिली, बहुत कम मिली, अब्दुर्रहमान साहब ने लिखे उसको, नुमाइंदगी लिखना चाहिए था, नुमाइंदगी में हमको सदर जमहूरिया मिले, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिले, मगर उनकी नुमाइंदगी में क्या हुआ, 1950 का एक प्रेसिडेंटल ऑर्डर हमारे सदर जमहूरिया होने के बाद वो नहीं हटा सके, जबकि 6 महीने के बाद हटाना चाहिए, हम लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमान को, एक एक ऑर्डर, छोटा सा ऑर्डर, जो एससी की बात करते कि हमको निकाल दिया, सिखों ने ले लिया, नौबुद्धों ने ले लिया, उसके बाद रंगनाथन मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखा कि ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है, पैराग्राफ 3 जो 1950 में पिछले ऑर्डर निकाल दिया, इसको हटा दिया जाए, सो रहा है मुसलमान। हमने रंगनाथन मिश्रा पे, अली जनाब इज्जत माब मरहूम हमारे मौलाना वली रहमानी साहब, अली जनाब अरशद मदनी साहब, बदरुद्दीन अजमल साहब, इनके साथ बड़े बड़े प्रोग्राम दिल्ली में हला दिए, मालवनकर हाल में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जब हमने मौलाना अरशद मदनी साहब को कहा कि साहब ये रंगनाथन मिश्रा कमीशन की सिफारिश अगर से लागू टेबल नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोले हाँ हाँ ये आप जो आप बोलते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बदरुद्दीन अजमल साहब को भेजा पार्लियामेंट में, बोला ये शब्बीर अंसारी क्या कह रहा है, बोला हकीकत है, टेबल नहीं हो रहा है। उन्होंने बात कराई, उस हमारा कॉन्फ्रेंस चल रही थी दिल्ली में जो हमने लिखा है, और उसके सिफारिशात पढ़ेंगे तो आप तो दंग हो जाएंगे, कमाल है, हम सो रहे हैं, पता नहीं है, उल्लेख होना चाहिए था, हमारे लोग सो भी रहे थे तो मगर हम जाग रहे। मौलाना ने बड़े बहुत तेज आवाजों में मनमोहन सिंह से कहा कि भाई इसको टेबल कीजिए, मत, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथन मिश्रा कमीशन, जिसमें मुसलमानों के दरवाजे खुल जाते थे अगर जो टेबल हो जाता और इंप्लीमेंट हो जाता, उसके लिए नुमाइंदगी थी, छोटी भी नुमाइंदगी थी तो वो भी तो लड़ सकती थी, मगर हमारी कौम को हम ललकार रहे थे और कौम सो रही थी, आप भी जिम्मेदार, खाली हमारे वो जो नुमाइंदे थे वो नहीं, आप लोग भी, आप लोगों ने कभी समझने, जैसा इंदिरा गांधी के जमाने में गोपाल सिंह कमीशन बना था, असगर अली इंजीनियर मर गया चीख चीख करके, हम मर गए बोल करके, अरे वो कमीशन बहुत अच्छा है, मुसलमानों की तकदीर बदल जाएंगी, नुमाइंदगी कम थी कोई बात नहीं, बनाया ना उन्होंने गोपाल सिंह कमीशन, याद है, इसको भी नहीं मालूम गोपाल सिंह कमीशन कौन सी चिड़िया का नाम है, ये है हमारी कौम, ये है हमारे लोग। और शब्बीर अंसारी 24 घंटे फिरता है पागलों के जैसा, समझाते हुए बोलते हुए फिरते हुए हर जगह, आज 42 साल हो रहे, 43 साल हो रहे मुझे, रात दिन फिरते, मगर फिर भी हमारी कौम को होश नहीं आता, समझ में नहीं आता कि ये क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बहरकैफ बातें बहुत हैं, किताब बहुत अच्छी है, किताब पढ़नी भी चाहिए, किताबों में जो बातें की है वो भी हमको समझना चाहिए, और कुछ बातें उन्होंने की है और कुछ बातें मैंने की है, कि ताकत थी, आप गवाह है, कैसा बना, अपोजिशन के पास था ना, या तो रशीद तायर को टिकट कैसे मिला मालूम तुम्हारा, वो सुरेश टावरे मेरे पास
पहले 50 लाख लाया और बाद में 1 करोड़ रुपए लेके आया। शबीर भाई मेरे को टिकट दो, गवाह है पूरा भेवंडी। बोला तुमको देने के लिए टिकट नहीं लाया, तुमको देने के लिए रशीद को एक नया पैसा नहीं, बगैर नए पैसे के टिकट कहां से मिल, कैसे टिकट मिले, कैसे चुन के आए लोग हमारे, कैसे आए, कहां कहां से आए। ताकत है हम में, अगर चाहे हम आज भी समझ ले, मौलाना भी उसी पर काम कर रहे हैं और हम भी उसी पर काम कर रहे हैं। आज जो किताब उन्होंने लिखी है बहुत अच्छी बात है, इसको पढ़िए समझिए, वक्त बहुत हो चुका है। और आपको जो भी यहाँ बात करनी थी मैंने आपको बताई है, अगर जो इसमें कुछ गलती है कुछ हो तो मुझे कहना, मैं तो रात दिन आप लोगों के साथ रहता हूँ। मैं मुबारकबाद फिर रहमान साहब को देता हूँ कि रहमान साहब आपने किताब लिखी, हमने प्रैक्टिकली काम किया, रात दिन प्रैक्टिकल काम किया, जो किताब में है उससे ज्यादा काम किया हमने, रोडों पे घूमकर गली गली। ये भेवंडी के लोग जानते हैं सब पूरी तरीके से कि शब्बीर अंसारी कितनी बार आता है, कितना बोलता है, कितना समझाता है, कैसा करता है। खाली बोलता नहीं है, भाषण नहीं करता, तकरीर नहीं करता है, प्रैक्टिकली अमली काम करता है। और आने वाले दिनों में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा 40 से 50 का टारगेट है, इंशाअल्लाह ताला हम सब लोग एक साथ आए तो 50 मुसलमान MLA हम बना सकते हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ओबीसी।